नमस्कार दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। गंगा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको कवर किया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। गंगा नदी तंत्र में फर्स्ट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में सबसे बड़ा अववाह तंत्र किस नदी का है? तो आंसर होगा गंगा नदी का। ये कह सकते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और अफवाह की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी कही जाती है। गंगा का जो उद्गम है आपका, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमानी से होता है और साथ में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं गोमुख। गंगोत्री हिमानी के गोमुख से किसका उद्गम होता है? तो गंगा नदी का। सबसे इम्पोर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो कुल 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, जिसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। 5 राज्य वो कौन कौन से हैं जिनसे गंगा निकलती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल से गुजरती है कौन सी नदी? तो गंगा नदी। कौन कौन से 5 राज्य याद करने वाला प्रश्न है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। अगर आपसे ये पूछे गंगा नदी सर्वाधिक किस प्रदेश में दूरी तय करती है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जहाँ लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथ ही साथ कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि गंगा नदी सबसे कम किस राज्य में दूरी तय करती है, सबसे कम बहाव क्षेत्र है? तो आंसर होगा आपका झारखंड, जहाँ पर यह लगभग 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। और गंगा की टोटल लंबाई कितनी है आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, 2525 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब 2525 किलोमीटर की लंबी गंगा है, जो भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। आंसर क्या होगा? गंगा नदी। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सबसे कम लंबाई कहाँ है? तो आंसर होगा झारखंड। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर? तो 1000 किलोमीटर से भी कैसी है, अधिक है। और गंगा में गंगा का पानी शुद्ध क्यों होता है, इसकी खास वजह क्या है? तो इसकी खास वजह है, इसमें एक विशेष जो एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जिसकी वजह से गंगा का जल खराब नहीं होता है, और इसमें जीवाणुओं को नष्ट करने वाला जो बैक्टीरियोफेज होता है वो गंगा के बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और जिसके कारण गंगा जल कैसा होता है? स्वच्छ होता है। कैसा होता है जल? स्वच्छ होता है। गंगा में डॉल्फिन मछली पाई जाती है और जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किस मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो आंसर होगा डॉल्फिन को। किस मछली को? ये मछली बहुत ही समझदार बुद्धिमान मछली बोली जाती है और ये गंगा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ इंडिया में? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च हुआ, जो गंगा की सफाई को लेकर है, यानी गंगा की साफ सफाई के लिए कौन सा एक्शन प्लान तैयार किया गया, तो इसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। और कब लागू हुआ? तो 1985 में ये लाया गया। तो कुछ इस तरह के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनकी बात हुई। साथ ही साथ आज हम गंगा के उद्गम को लेकर जो खास बातें हैं, जहाँ से मैक्सिमम एग्ज़ाम में प्रश्न, जैसे सुपर टेट है, लेखपाल है, या एसएससी लेवल की एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे गंगा से रिलेटेड, यानी इनके उद्गम से रिलेटेड हैं। जो प्रयाग हैं 5, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रयाग की बात करते हैं कि आखिर गंगा की उत्पत्ति या उद्गम कहाँ से हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसमें कुछ खास प्रकार के प्रयाग का नॉमिनेट मिलता है। तो सबसे पहला जो संतोपत ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं, मतलब एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं विष्णु गंगा। और जब विष्णु गंगा में जब एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, इसका जो मिलन होता है उस मिलन के प्रयाग को हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। कहने का मीन्स ये है कि विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आपस में मिलती हैं, ये ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को, तो जो नदी बनती है उसको बोलते हैं अलकनंदा।
और अलकनंदा में फिर एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं नंदाकिनी, और ये जो जो नंदाकिनी है ये किस प्रयाग से मिलती है उसका नाम है क्या, तो आंसर है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती, अलकनंदा की धारा आगे बढ़ती है, फिर एक और नदी उसको ज्वाइन करती है अलकनंदा को, जिस नदी का नाम क्या है, पिंडार नदी। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंडार नदी अलकनंदा में किस प्रयाग पर मिलती है, तो आंसर होगा कर्ण प्रयाग। यानी कहने का मीन्स हमारा यहाँ ये है कि कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से ज्वाइन करती है जिसका नाम क्या है, कर्ण प्रयाग। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और सबसे एक खास बात, जो केदारनाथ आपका धाम है वहाँ से एक नदी उद्गमित होती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी, और फिर ये नदी ज्वाइन करती है अलकनंदा को किस प्रयाग पर, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, जिस प्रयाग पर ये मिलती है उस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। फिर सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन जाता है, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, कि जो आपका गंगोत्री हिमानी है के गोमुख से यानी उत्तराखंड से निकलने वाली नदी जो भागीरथी है, और संतोपत ग्लेशियर से जो अलकनंदा आती है, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और वो किस प्रयाग पर मिलती हैं, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, तो वो कौन किस प्रयाग पर मिलती हैं, तो नाम है यहाँ पर देव प्रयाग। सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात कि देव प्रयाग में गंगा, मतलब जब भागीरथी और आपकी अलकनंदा मिलती हैं देव प्रयाग में, तो धारा का नाम जो पड़ता है गंगा, यानी कहने का मतलब गंगा को किस जगह पर गंगा कहा गया, तो वो कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग। फिर ये नदी के द्वारा आपको हम कुछ नदियों के विषय में बताने जा रहे हैं, जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कहां पर कैसे मिलती हैं, किस जगह पर मिलती हैं और कहां से उद्गमित होती हैं। इस श्रृंखला में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के यहीं से मिलेंगे आपको, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना। तो देखिए, जब भागीरथी नदी अलकनंदा को ज्वाइन करती है देव प्रयाग में, तो ये नदी पर्वतों से किस ओर जाती है, तो मैदान, यानी कहने का मीन्स ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में प्रवेश करती है, और नदी इसी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। तो अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस जगह पर गंगा मैदान में प्रवेश करती है, उस स्थान का क्या नाम है, तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए वो स्थान क्या है, वो स्थान आपका क्या है, हरिद्वार। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि हरिद्वार की जगह पर गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। फिर ये गंगा नदी की धारा आगे बढ़ती है और फर्रुखाबाद से कन्नौज की ओर जाती है। फिर सबसे खास प्रश्न क्या है कि गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि कन्नौज जो जगह पड़ती है वहाँ पर एक नदी निकलती है उत्तराखंड से जिसको बोलते हैं रामगंगा, और रामगंगा नदी से एक और ख़ास प्रश्न बनता है, ये पूछा जाता है, ये गंगा की सहायक नदी है जो कि कन्नौज में ज्वाइन करती है और कन्नौज में आकर मिलती है। लेकिन रामगंगा जो उत्तराखंड से निकलती है पौड़ी गढ़वाल ज़िले से, तो यहाँ एक नेशनल पार्क को क्रॉस करती है जिसका नाम क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क। और कार्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी क्रॉस करते हुए कन्नौज की ओर आती है और कन्नौज को ज्वाइन, कन्नौज में ये गंगा से मिल जाती है। फिर जो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर गंगा आरा से जो बनता है, तो पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है। तो आप लोगों को पता होगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर होगा आपका यमुना। फिर यमुना की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, उद्गम की बात करते हैं, तो ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री बंदरपूछ श्रेणी, यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमानी से ये निकलती है बंदरपूछ श्रेणी से, और ये सीधी प्रयागराज में आकर किससे मिलती है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है इलाहाबाद में, और यहाँ पर आकर मिलती है। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ जो हैं आपकी यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, उनसे भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। सबसे बड़ी बात आपसे पूछी जाती है कि चंबल नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो ये किस जगह से होती है, तो चंबल नदी आपके मऊ ज़िले से, बांदा से यानी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, और ये आकर किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। फिर इसके बाद एक नदी और इसकी सहायक नदी है जिसे बेतवा, तो उसका पूछा जाता है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो विंध्याचल पर्वत।
थर्ड नदी जो आपकी सहायक नदी है मनाकी, वो केन नदी। केन नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो आंसर होगा आपका कैमूर की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश से ये भी निकलती है। तो चंबल, बेतवा, केन, ये सारी जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश से ही उद्गमित होती हैं। और किस में मिलती हैं? तो आपकी जो मिल जाती है यमुना में मिल जाती है। और यमुना खुद कहाँ आकर मिलती है? तो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो यमुना की जो लंबाई लगभग है कितने, 1360 किलोमीटर टोटल है। फिर नेक्स्ट जो धारा है गंगा की आगे बढ़ती है, और आगे गाजीपुर में एक खास नदी का संगम होता है जिस नदी को बोलते हैं गोमती। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है कि गोमती नदी जो है वो किस स्थान से उद्गमित होती है? तो ये पीलीभीत के फुल्लर झील से। किस झील से? तो आंसर होगा फुल्लर झील से, यानी पीलीभीत के फुल्लर झील से, जो कि किस जगह पर पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की क्या खास बात है कि ये तराई इलाके से निकलने वाली नदी है जो कि गाजीपुर में जाकर गंगा से ज्वाइन कर जाती है। फिर नेक्स्ट नदी है जो खासकर नदी है घाघरा। बड़ा ही नाम अच्छा सुना होगा आप लोगों ने। घाघरा नदी चूँकि नेपाल हिमालय से निकलती है, जिसमें मुख्य रूप से दो धाराएं काली और कर्णाली। काली नदी को शारदा कहा जाता है और कर्णाली को घाघरा। जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो घाघरा नाम पड़ता है। और घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो किस स्थान पर मिलती है? तो घाघरा स्थान, घाघरा में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, एक नदी जो है सोन नदी जो कि पटना में मिलती है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी भारत के पठारी भाग से सबसे लंबी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो आंसर होगा सोन नदी। और सोन नदी किस स्थान से उद्गमित होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। भारत में पठारी क्षेत्र से मिलने वाली नदी गंगा की कौन सी सहायक नदी है? तो आंसर होगा आपका सोन नदी। और ये कहाँ पर ज्वाइन करती है? तो पटना में जाकर, ये पटना से मिल जाती, पटना में मिल जाती है गंगा से। फिर नेक्स्ट नदी है आपकी गंडक जो कि नेपाल से आती है, और ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो सोनपुर में। कहाँ पर? सोनपुर में। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंडक नदी किस जगह पर गंगा से मिलती है? तो सोनपुर में। फिर नेक्स्ट नदी आपकी है सहायक नदी गंगा की, कोशी नदी। और कोशी नदी गंगा से ज्वाइन करती है कुर्सेला में। नेक्स्ट, गंगा की सबसे अंतिम नदी जो भारत में मिलती है उसका क्या नाम है? तो आंसर होगा महानंदा। और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि महानंदा नदी किस स्थान से उद्गमित होती है? तो याद रखना, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी बंगाल। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल। और जो महानंदा किस जगह पर मिलती है गंगा से, उसका नाम क्या है, ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फरक्का बैराज, किस जगह पर ये ज्वाइन करती है गंगा को? फरक्का बैराज। फिर फरक्का बैराज से गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जिसे भागीरथी बोलते हैं जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, एक धारा जो कि इंडिया में ही रह जाती है कलकत्ता की, वो चली जाती है जिसका नाम है कौन सी नदी? हुगली नदी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हुगली नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो आंसर होगा दामोदर नदी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पीछे छूट गया है, वो कौन सी नदी है जो बिहार का शोक है? तो एक सिंपल सी बात जान लीजिए, बिहार का शोक कही जाने वाली नदी का नाम है कोशी। अब हम गंगा की और बात करते हैं आगे इसी क्रम में। तो आप एक जान लीजिए, जो भागीरथी की धारा थी गंगा से जो निकली फरक्का बैराज से, आगे जो निकलती है बांग्लादेश में, किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पद्मा। नेक्स्ट इसी में, फिर एक नदी भारत की अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में इंटर करने के बाद, सदिया से इंटर करने के बाद, उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा जमुना। तो बांग्लादेश में दोनों धाराएं, यानी गंगा की पद्मा और जमुना धाराएं आपस में मिलती हैं। और फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद एक धारा मिलती है बराक नदी। फिर बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना। एक और प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं कि गंगा को अंत में
डेल्टा बनाने से पहले किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मेघना। और यहीं पर जो मेघना नदी है आपकी और ये गंगा जो डेल्टा बनाती हैं, इस डेल्टा को क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का जो डेल्टा है ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है, ये विश्व का नदी द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसके लास्ट में ये नदी जो मेघना है, जो कि कह सकते हैं गंगा है, लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आइए, तो अभी आपने मैपिंग के द्वारा गंगा को समझा है, अब मेन मेन पॉइंट्स जो हैं गंगा से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न हैं आपके, वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो आपके डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित गंगोत्री के निकट गोमुख स्थान से भागीरथी धारा निकलती है। कहने का मीन्स इनका ये है इसमें कि गंगा का उद्गम किस स्थान से होता है, तो गंगोत्री के गोमुख से होता है। जो किस राज्य में पड़ती है? तो उत्तराखंड राज्य में। और किस ज़िले में ये गंगा किस ज़िले से निकलती है गंगा? तो उत्तरकाशी ज़िले से। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, बद्रीनाथ में स्थित एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं संतोपत हिमानी। कौन सा ग्लेशियर? संतोपत हिमानी। जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा किस प्रयाग पर मिलती हैं? तो आंसर होगा देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। नेक्स्ट पॉइंट, हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कहा जाता है कि किस स्थान पर गंगा मैदान में प्रवेश करती है, तो आंसर क्या होगा? हरिद्वार। चलिए गंगा की कुछ सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, यमुना, गंगोत्री, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा भारत की गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। और गंगा से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा। अब यहाँ स्पेशल नदियाँ, जो सहायक नदियाँ हैं गंगा की, उनको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आपने सुना होगा रामगंगा नदी किसकी प्रथम नदी है? तो गंगा की प्रथम सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है रामगंगा नदी का? तो पौड़ी गढ़वाल जिले से। कहाँ से और किस स्थान से? दूधा टोली नामक स्थान से। पौड़ी गढ़वाल के दूधा टोली नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। और यहीं पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसे बोलते हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। और बहते हुए ये पीलीभीत से बरेली और कहाँ पर आती है? कन्नौज में गंगा की धारा से मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि वो कौन सी नदी है जो बरेली से होती हुई कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है? तो आंसर होगा रामगंगा। नेक्स्ट सहायक नदी है आपकी यमुना। यमुना जो नदी है वो लगभग 1360 किलोमीटर है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कही जाती है। तो दोस्तों, कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी कही जाती है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है उत्तराखंड, कहाँ से होता है? उत्तराखंड। किस श्रेणी से होता है? तो बंदर पूंछ श्रेणी से। किस स्थान से होता है? तो आंसर होगा यमुनोत्री। यानी कहने का मीन्स ये है कि यमुना नदी किस स्थान से उद्गमित होती है? तो उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री से गंगा का क्या होता है? उद्गम होता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, यमुना किस किस प्रदेश से होकर गुजरती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बड़ा ध्यान से सुनना। यमुना नदी है 5 राज्यों से होकर गुजरती है और गंगा में मिलती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो इतने राज्यों को ये टच करती हुई आगे बढ़ती है, इन राज्यों से होकर गुजरती है कहने का मीन्स।
और इसमें खास प्रश्न है यमुना, यमुना से गाजियाबाद में कौन सी नदी मिलती है? तो हिंडन नदी है जो कि गाजियाबाद में किस नदी को ज्वाइन करती है? यमुना को। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, जो कि किस स्थान पर मिलती है? तो गाजियाबाद में मिलती है। नेक्स्ट, चंबल नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है? तो आंसर होगा इटावा। अब एक बात जान लीजिए कि जो आपकी चंबल नदी है ये मऊ बांधा से उद्गमित होकर, मऊ बांधा से निकलकर मध्य प्रदेश से ये इटावा में आकर मिल जाती है गंगा से। और ख़ास प्रश्न यहाँ पर जो बनता है, भारत की वह कौन सी नदी है जो मगरमच्छ घड़ियाल के लिए जानी जाती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो घड़ियाल के लिए जाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी? इसके साथ ही हमीरपुर में यमुना से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो सिंध और बेतवा नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो हमीरपुर में। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो आपको देखने को मिले, गाजियाबाद में कौन सी नदी? हिंडन नदी। इटावा में कौन सी नदी? चंबल नदी। हमीरपुर में कौन सी नदियाँ? तो सिंध और बेतवा नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ, यमुना से आकर मिलती हैं। और यमुना खुद कहाँ मिलकर मिलती है जाकर गंगा से? तो ये प्रयागराज में मिलती है जाकर। फिर एक और प्रश्न इसमें बनता है कि यमुना नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है, किस जगह पर मैदान में प्रवेश करती है? तो वो ताजेवाला हरियाणा। कौन सा स्थान है? ताजेवाला हरियाणा। नेक्स्ट सहायक नदी है आपकी गोमती नदी, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, गोमती नदी किस झील से निकलती है? तो आंसर होगा फुल्लर झील से। किस झील से? और ये किस ज़िले से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले से। किस ज़िले से? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले से निकलती है। और ये कहाँ पर आकर गंगा से मिलती है? तो आंसर होगा गाजीपुर में। इसकी कुछ सहायक नदियाँ गोमती नदी की दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है पूछी जाती है चूहा नदी। चूहा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा गोमती नदी की। और इसकी सहायक नदी एक और है, सई है, चूहा है, जोमकाई है, ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो गोमती की। नेक्स्ट प्रश्न, घाघरा नदी जिसकी लंबाई क्या है? 1080 किलोमीटर है। और ये किस ग्लेशियर, किस हिमानी से उद्गमित होती है? तो माक्सातुंग हिमानी। कौन सा हिमानी है? माक्सातुंग हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? तो घाघरा नदी। और ये नदी कहाँ पड़ती है? तो नेपाल में। और गंगा से ये कहाँ पर मिलती है आकर? तो स्थान का नाम है छपरा। कौन सा स्थान? छपरा। और छपरा जगह पड़ती है कहाँ पर? बिहार में, सभी लोग जानते हैं। तो मोस्टली ये नदी कहाँ पर मिलती है आकर? तो छपरा में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी राप्ती और शारदा कैसी नदियाँ हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं, आप जानते हो, घाघरा जो नदी है इसमें काली नदी और कर्णाली नदी, दो नदियों की धारा जब आपस में मिलती है तो उसको हम बोलते हैं घाघरा। और काली नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? तो शारदा नदी। और कर्णाली को क्या कहा जाता है? शारदा। घाघरा की सहायक नदी है। और घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। चलिए नेक्स्ट सहायक नदी, गंगा की सोन नदी। तो प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं सोन नदी किस स्थान से उद्गमित होती है? तो आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये पठारी क्षेत्र से निकलकर गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न पूछा जाता है पठारी से कौन सी नदी निकलती है जो गंगा से मिलती है, जो सबसे बड़ी भी है? तो आपका आंसर होगा सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। नेक्स्ट रिवर की बात कर लेते हैं, गंगा की सहायक नदी, सहायक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल तिब्बत से। किस श्रेणी से निकलती है? तो धौलदार श्रेणी से। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है गंडक नदी से, इस नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका उपनाम क्या है? शालिग्राम नदी। कौन सी नदी? शालिग्राम नदी। और इस नदी की खास विशेषता क्या है? इसमें गोल पत्थर पाए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी गंगा की वो सहायक नदी है जिसमें गोल पत्थर पाए जाते हैं? तो गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। और गंडक नदी को ही क्या कहा जाता है? शालिग्राम नदी।
एक और प्रश्न पूछा जाता है इसमें, गंडक की एक सहायक नदी पूछी जाती है, वो कौन सी सहायक नदी है? त्रिशूली गंगा। कौन सी? त्रिशूली गंगा। या आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है त्रिशूली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आंसर होगा गंडक नदी की। किसकी? गंडक नदी की। नेक्स्ट बात करते हैं कोसी नदी। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है, कह सकते हैं, बिहार को, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कोशी नदी को। किसको? कोशी नदी को। और ये नदी, कोशी नदी जो है ये भी नेपाल से निकलती है, और ये किस चोटी से निकलती है? तो गोसाईनाथ चोटी से। किस नदी से? गोसाईनाथ चोटी से निकलती है, और इसमें अरुणा और तामू धाराओं के मिलने के कारण इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? अरुणा। तो इसे अरुणा नदी कहा जाता है। कहाँ पर? बिहार में। और बिहार का इसे शोक भी कहा जाता है। किस स्थान से उद्गमित होती है? तो गोसाईनाथ से। महानंदा कहाँ से उद्गमित होती है प्रश्न पूछा जाता है, तो दार्जिलिंग पहाड़ी से। और ये दार्जिलिंग पहाड़ी हैं कहाँ पर? तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, जहाँ चाय बहुत फेमस है, जहाँ की चाय, तो दार्जिलिंग चाय भी उसे बोलते हैं, और मोस्टली यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। तो यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं महानंदा। और एक ख़ास बात, यहाँ महानंदा किस स्थान पर गंगा को ज्वाइन करती है, कहाँ पर संगम होता है या कहाँ पर मिलती है? तो आंसर होगा फरक्का बैराज। और इसी फरक्का बैराज पर फरक्का बैराज परियोजना भी चल रही है, आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो महानंदा फरक्का बैराज स्थान पर गंगा से मिलती है महानंदा। ये भारत की गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बंगाल में गंगा की उत्तरी शाखा को भागीरथी कहा जाता है, और दक्षिणी शाखा को क्या कहा जाता है? हुगली नदी। और आप लोग जानते होंगे कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर होगा दामोदर नदी। और दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बांग्लादेश में भागीरथी नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो पद्मा कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, नेपाल का वाटर टावर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा गंगा को। तो नेपाल का वाटर टावर किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को। और साथ साथ एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि गंगा को उत्तर भारत का क्या कहते हैं? मेरुदंड। क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका गंगा नदी को। किस नदी को? गंगा नदी को। कोशी नदी को यहाँ भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रश्न को, जबकि पिछले उसमें कर चुके हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोशी नदी को। और भारत की अगर पूछा जाए सबसे विश्वासघाती नदी पूछी जाए, तो आंसर होगा आपका कोशी नदी। गंगा से मुख तीन नहरें निकाली गई, वो तीन नहरें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी गई हैं कि कहाँ से कौन सी वो नहरें मुख निकाली गई हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हरिद्वार से कौन सी नहर निकाली गई? तो दोस्तों ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई? आपके हरिद्वार से निकाली गई। ऊपरी गंगा नहर किस स्थान से निकाली गई? तो आंसर होगा आपका हरिद्वार। इसी में सेकंड जो नहर की बात करता है, एक नहर मध्य गंगा नहर निकाली गई, वो किस जगह से निकाली गई? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बिजनौर से निकाली गई मध्य गंगा नहर। कौन सी नहर? तो मध्य गंगा नहर किस जगह से निकाली गई? तो बिजनौर से। और एक ख़ास बात इससे जुड़ी कि गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जगह से प्रवेश करती है या किस जिले से प्रवेश करती है? तो आप उस जगह का नाम क्या बता सकते हैं? बिजनौर। यानी बिजनौर से आपकी गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश भी करती है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है एग्जाम का। और यहाँ से मध्य गंगा नहर भी निकाली गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न गंगा नहर किस स्थान से निकाली गई? तो ये स्थान है नरौरा। कौन सा स्थान? तो नरौरा से निम्न गंगा नहर, बिजनौर से मध्य गंगा नहर, हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर। तीनों इम्पोर्टेंट नहरें हैं जो किस किस जगह से निकालेंगे, किस हरिद्वार किस किन शहरों से निकालेंगे, तो आप समझ गए होंगे।
हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर, बिजनौर से मध्य गंगा नहर, नरोरा से निम्न गंगा नहर। और साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल कहाँ, तो बड़ी धार्मिक मान्यता यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है प्रयागराज में, और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए दोस्तों,